भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय आयुष्मान स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का समापन 28 अक्टूबर को हुआ। मिठवाल बीआरसी के सभागार में हुए इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान ट्रेनर डॉक्टर केबी सिंह ने बताया कि जब तक हम बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तब तक बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास होना असंभव है। अतः समय समय पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए और उन्हें जरूरी पोषक आहार दिया जाए। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र त्रिपाठी, डॉक्टर बी के सिंह, CHC प्रभारी तिलौली रमेश चंद्र मिश्र, महेश धर द्विवेदी, राम विलास चौधरी शामिल हुए। शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास में बच्चों का स्वास्थ्य भी शामिल है। स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों हिस्से आते हैं। तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हमारे विभाग की नज़र रहे, अध्यापकों की नज़र रहे, इसी संदर्भ में प्रशिक्षण 4 दिवसीय प्रशिक्षण आज समाप्त हुआ है कि कैसे हम बच्चों को वॉच करते रहें कि उनके स्तर पर कोई समस्या तो नहीं है, किसी स्वास्थ्य का समस्या या कोई मानसिक समस्या तो नहीं, घर परिवार में या समाज में किसी प्रकार से वो शोषण तो नहीं हो रहा है या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। इसका यदि हम पता लगा सकेंगे तो इसका समाधान भी ढूंढ सकेंगे, और जब इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकेंगे तभी बच्चे का विकास हो सकेगा, तभी वो पढ़ाई में मन लगा सकेगा, बेहतर पढ़ाई कर सकेगा। इसी उद्देश्य के साथ ये प्रशिक्षण चल रहा है, आज पहले बैच का समापन हुआ है। इसमें किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रोग्राम है ये, जिसमें ये स्कूल में बच्चों के किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में, शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन में जो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं उसके बच्चों में पहचान करने की क्षमता विकसित करना और उसको और ज़्यादा उपयोग करना इस प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सिद्धार्थ नगर से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।